संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने आज सिविल सर्विस परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है। परीक्षा परिणामों में लड़कियों का दबदबा देखने को मिला। रितु शर्मा ने ऑल इंडिया रैंक 1, अंकिता अग्रवाल ने ऑल इंडिया रैंक 2 और गामिनी सिंगला ने ऑल इंडिया रैंक 3 हासिल किया है। पहले तीनों स्थानों पर लड़कियों ने जगह बनाई है। इस परीक्षा में कुल 749 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। अभ्यर्थी अपना परिणाम यूपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट upsc.gov.in पर चेक कर सकेंगे। परीक्षार्थियों के मार्क्स रिजल्ट की घोषणा के करीब 15 दिन बाद जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 3 चरणों में, प्रारंभिक, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में आयोजित की जाती है। मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है। हर साल आईएएस आईपीएस ऑफिसर बनने का ख्वाब संजोने वाले लाखों उम्मीदवार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा देते हैं। इस परीक्षा को देश की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक माना जाता है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।